नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में प्लेइंग 11 में जगह बना ली और उन्होंने इस मुकाबले में काफी संभल कर शुरुआत की। उन्होंने बेहद धैर्यवान पारी खेलते हुए 68 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए। उन्होंने अपना अर्धशतक छक्का लगाते हुए पूरा किया, साथ ही अपनी पारी के दौरान उन्होंने खास मुकाम भी हासिल कर लिया। धवन ने बतौर भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज एशिया में अपने 5000 रन पूरे कर लिए। एशिया में बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सौरव गांगुली हैं। गांगुली ने एशिया में बाएं हाथ में भारतीय बल्लेबाज के तौर पर अपने करियर के कुल 10,589 रन बनाए थे। वहीं इस मामले में युवराज सिंह दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 7,954 रन बनाए थे। गौतम गंभीर इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं और उन्होंने एशिया में बतौर भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर कुल 7,327 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 68 गेंदों पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद शिखर धवन ने पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की बराबरी भी कर ली। वनडे क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर शिखर धवन ने 48वीं बार 50 या उससे ज्यादा की पारी खेली और सहवाग की बराबरी पर आ गए। सहवाग ने भारत के लिए बतौर ओपनर वनडे में 48 बार 50 या उससे ज्यादा की पारी खेली थी। इस मामले में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 120 बार ऐसा किया था। वहीं गांगुली ने 77 बार तो वहीं रोहित शर्मा ने 58 बार ये कमाल किया है। आपको बता दें, पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी थमा दी। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने सधे अंदाज में शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद शिखर धवन ने विराट कोहली के साथ एक और बढ़िया साझेदारी की और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए भी 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।